जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी भी आनंदित होंगे, खुश होंगे, हमेशा हंसते रहिएगा। तो यह रहा मेरा दूसरा वीडियो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि मैं शॉपिंग हॉल्स वगैरह दिखाऊँगी मेरे वीडियोज़ पर, तो शॉपिंग हॉल्स भी कल हमने शॉपिंग की थी, मैंने और मेरे पति देव जी ने सुबह को। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी है, तो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्या ख़रीदा है। ये रहा एक बैग और ये रहा दूसरा बैग, तो सारा कुछ एक साथ दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप लोगों से दिखाऊँगी। और सबसे बढ़िया जो बात है वो आपको यह लगेगी कि इनका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है। आप खुद ही तय कर लेना और आप ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, ज़रूर लिखकर बताना कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी लगी और इनका प्राइस भी कैसा लगा। तो शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहली जो मैं शुरुआत करूँगी वो मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने क्या ख़रीदा है, वो उस चीज़ से हम शुरुआत करेंगे। तो ये रहा, बैग में ही मैंने सामान रखा था पूरा, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ ठीक तरह से, अच्छे से अनबॉक्सिंग करके। देखिए दोस्तों, ये है एक टोकरी बास्केट जो मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए ख़रीदी है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी साइट्स, ऑनलाइन साइट्स जो होती हैं उन पर देखी होंगी, और जहाँ पर इनका प्राइस कुछ 100 से अधिक होता है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने इस चीज़ को, इस टोकरी को, इस बास्केट को कितने में ख़रीदा है? ज़रा बताना ज़रा। इसे मैंने ख़रीदा है ओनली 65 रुपीज़ में। जी हाँ, 65 में मैंने इसे ख़रीदा है दोस्तों। और सिर्फ इतना है कि मैं इसे नीचे से थोड़ा सा मेक ओवर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये ओपन ओपन एरिया है, मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए ख़रीदा है। मैं इसे एज अ झूला यूज़ कर सकती हूँ उनके लिए, या तो फिर टोकरी जिसमें मैं आराम से इनको बिठा सकती हूँ, खेलने जब वो खेलते हैं तब उन्हें बिठा सकती हूँ इसमें। सिर्फ मैं एक काम करूँगी, इसको यहाँ पर थोड़ा सा डी आई वाई में चेंज करूँगी। जब मैं DIY करूँगी तब आप लोगों से ज़रूर शेयर करना पसंद करूँगी कि मैंने किस तरह से इसे एज अ झूला या तो फिर एज अ बास्केट यूज़ किया है। यहाँ पर थोड़ा सा कुशनिंग करूँगी ऊपर से, ट्राई करूँगी और अच्छा सा उसे कवर अप थोड़ा करने को कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, ये रहा मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए जो मैंने ख़रीदा है वो आइटम, और बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और सबसे बढ़िया जो इसकी बात है वो है उसके दाम, 65 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहली चीज़। मैं बहुत सारे DIYs वगैरह बनाती हूँ दोस्तों, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह डालूँगी। हाँ, मन तो बहुत कर रहा था हाँ कि कभी वीडियोस डालूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा लगता है दोस्तों ये सारी अच्छी बातें शेयर करने में, आप लोगों को भी आइडिया मिलेगी। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ है तो भी आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी तो सीखने के लिए ही है ना, हर दिन कुछ नया अच्छा सीखना हमें चाहिए। अच्छी बातें, अच्छी आदतें हमें अपने आप में लगानी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो फिर अब हम बढ़ते हैं दूसरे आइटम की तरफ, दिखाती हूँ आप लोगों को एक कैंडल का पैकेट जो आप लोगों ने बहुत बार दीपावली के समय पर या कुछ त्योहारों के समय पर ख़रीदे होंगे, आप लोगों के पास होंगे भी ऐसे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ भी करती हूँ इन्हें। कभी कभी तो वैक्स अगर होता है तो घर में ही मैं कैंडल बनाना पसंद करती हूँ, और ऐसे मैं रखती हूँ अपने पास। कभी कभी क्या होता है कि पूजा घर में, मंदिर में हमारे, हमें लगाने के लिए अच्छे पड़ते हैं। डिफ्यूज़र में हम डाल सकते हैं इसे और रख सकते हैं मंदिर के दोनों ओर। छोटू जो ग्लासेस रहते हैं उसमें डालकर भी सजा सकते हैं, लिविंग एरिया में, डाइनिंग रूम में, किचन में, जहाँ पर भी आपका जहाँ मन चाहे। और इनका दाम भी वही है, 65 में मुझे 25 कैंडल मिले हैं दोस्तों। मैंने इन्हें काउंट करके देखा था, टोटल 25 है,
जो मुझे सिर्फ 25 कैंडल 65 रुपीज़ में मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, शायद 65 रुपीज़ में मिले हैं मुझे। और देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। किस तरह से मैंने यूज़ करूँगी और किस तरह से डेकोर में यूज़ करती हूँ, मंदिर के साइड में वगैरह यूज़ करती हूँ, जब मैं वो यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो फिर अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो है ये बच्चों के लिए खेलने की चीज़ है, पज़ल है, एजुकेशनल पज़ल, नॉलेज, क्रिएटिविटी, स्किल्स, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। ये मेरे पति देव जी ने उनकी बहन के बच्चे के लिए ली है, यानी कि हमारी बांझी के लिए ली है। देखिए सुंदर है, इसमें बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, उन्हें पता चलता है खेलते खेलते वैन क्या है, टैक्सी क्या है, बोट क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी होती है। और क्या आप गैस लगा सकते हैं इसका दाम? जी हाँ, ये भी 65 में ही मिलता है। वो शॉप हमारे घर के थोड़ी नज़दीकी है, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट में लग जाते हैं जाने में, और 10-15 मिनट या तो फिर ट्रैफिक अगर होता है तो 15-20 मिनट लग जाते हैं आने में। तो ये रही नेक्स्ट आइटम, आगे बढ़ते हैं दूसरे आइटम की ओर। तो दिखाती हूँ आपको कुछ प्लेट्स जो हमने लिए हैं, जो प्लास्टिक है, हालांकि हम प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये मैंने लिए है क्योंकि मुझे चाहिए था, घर में जो वाजिस वगैरह रहते हैं, गमले रहते हैं, इनको ऐसे रख कर ज़मीन पर, इनके ऊपर गमले रखने से और सुंदर उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने खरीदे। लास्ट टाइम जब हम गए थे दीपावली की शॉपिंग के समय, तब भी हमने ऐसे खरीदे तो मुझे पसंद आए। तो ये तीनों प्लेट मुझे मिली है 65 में। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों का जो दाम है वो है 65 रुपीज़। देखिए तो इनकी डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी है, प्यारी है। बड़े प्लेट्स भी थे लेकिन गमलों के लिए मैंने ये छोटे वाले खरीदे हैं, और तीनों का दाम है 65, यानी कि 65 में ये तीन मिले हैं, ये तीनों 65 में। तो अच्छे है ना, सुंदर है ना दोस्तों। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। अगेन जो एक खिलौना सेट है, अगेन हमारी भांजी के लिए लिया है मेरे पति देव जी ने, देखिए बहुत प्यारा है, और ये फुल पैकेट का रेट भी है 65। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है बच्चों के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए पेंट्स और ऐसी क्रिएटिव चीज़ें जो बच्चों को पसंद आती हैं। इन ये तो प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन क्या होता है उनको खेलने में थोड़ा मज़ा आता है, चीज़ें पता भी चलती है क्या है, बैट है, ये वो है, सारी चीज़ें अच्छा लगा ना दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। मैं सोच रही हूँ कौन सा निकालू करके, क्योंकि सारा मैंने बैग में ही रखा था ताकि आप लोगों से मैं शेयर कर सकूँ। देखिए दोस्तों, ये मास्क है, फेस मास्क, जिनकी ज़रूरत बहुत पड़ती है आजकल, आप लोगों को पता होगा। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका रेट क्या है? एक्चुअली और एक है इसमें जो आज मेरे पति देव जी काम को जाते समय उन्होंने यूज़ किया है, वो लेके गए हैं। इसमें और एक कलर था, वो कलर भी बहुत ही सुंदर है। चार मास्क, इन चारों का रेट है 65 में। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये 65 का है, तब मन में विचार आया कि नहीं, बाहर तो 40 रुपये में भी अच्छे वाले मास्क मिलते हैं, लेकिन जब पता चला कि 65 में चार मिल रहे हैं, तो और वो भी इतने अच्छे कलर्स, आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए वो कलर्स, तो उस हिसाब से तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा रेट है। और देखिए मैं इनको नज़दीकी से आपको दिखा रही हूँ, इनका जो प्रिंट है देखिए कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और इसका रेट भी कैसा लगा। देखिए और नज़दीकी से दिखाती हूँ आपको, इनकी जो सिलाई है वो भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और ज़्यादा वीक कमज़ोर नहीं है। हालांकि रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है तो मैं सुविंग मशीन से इसको और थोड़ा मजबूती देने की कोशिश करूँगी। मेरे पास है ऑटोमेटिक सुविंग मशीन जो मैं यूज़ करती हूँ कर्टन्स वगैरह वगैरह, ड्रेसेस वगैरह बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छा पड़ता है घर में अगर मशीन है तो।
तो देखिए ये रहा एक कलर, दूसरा कलर, ये कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, क्योंकि अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो एक रंगोली डिज़ाइन जैसे लग रहा है, या तो फिर कोई पेंटिंग, और मुझे तो पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है दोस्तों, और मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी आने वाले वीडियोस में। क्या हुआ है कि जब मैंने वो बनाई थी तब मैंने वीडियोस नहीं ये किए थे, शूट नहीं किए थे, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था कि चैनल बनाऊंगी करके, लेकिन डेफिनेटली मन में बहुत बहुत था कि हाँ मैं भी चैनल पर डालूंगी, आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा मैं किस तरह से बनाती हूँ, और आप लोग अगर अपने पास आइडिया थे तो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगता है दोस्तों अच्छी बातें शेयर करने में, और अच्छे से खुश रहना चाहिए सभी ने, हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। और ये रहा तीसरा मास्क, जिसका प्रिंट कुछ इस तरह से, बढ़िया लगे मुझे तीनों भी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों कि आप लोगों को इसका दाम और ये कलर्स कैसे लगे। और चौथा वाला तो मेरे और एक मास्क था, वो मेरे पति देव जी लेकर गए हैं, उन्हें चाहिए था यूज़ करने में, तो इनका रेट है 65। तो अभी मैं दोस्तों क्या कर रही हूँ, इस वीडियो को मैं पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज दिखाए हैं इस वीडियो में, दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है दोस्तों, और मेरा लैपटॉप में भी थोड़ा सा लैपटॉप भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है, इसलिए एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, और आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें भी करना मुझे भी पसंद आएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख कर भेजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये चीज़ें कैसी लगी, और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा, हंसते खेलते रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, राधे राधे, नमस्कार, बाय।